सरदारपुर नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में एक शिक्षक द्वारा वृक्षारोपण की गई भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान निर्माण किया जा रहा है। मामले में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक अमर सिंह बघेल द्वारा विद्यालय की जमीन पर किए गए वृक्षारोपण वाले क्षेत्र में वृक्षों को खत्म कर बगैर अनुमति के मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही बिना अनुमति के उक्त शिक्षक शाला भवन के एक कक्ष में भी अपना निवास बनाए हुए रहते हैं। मामले की जानकारी लगने के बाद शिक्षक अमर सिंह बघेल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व प्राचार्य अग्निहोत्री के मौखिक आदेश से ही यहां पर रह रहे हैं और नव निर्माण करवा रहे हैं, जबकि प्राचार्य अग्निहोत्री रिटायर भी हो चुके हैं। पूरे मामले में उत्कृष्ट विद्यालय के वर्तमान प्राचार्य GP शर्मा ने पत्र के माध्यम से शिक्षक बघेल से उक्त निर्माण की अनुमति संबंधी जानकारी भी मांगी है। नहीं तो वो पहले जो थे प्रिंसिपल अग्निहोत्री साहब, उन्होंने कहा था कि लेटरिन बाथरूम बना लो और पानी की टंकी जी, तो आपके काम में भी आएगा और बगीचे में भी काम में आएगा। अच्छा, तो रूम वगैरह भी निकाल रखे है ना उसमें? हाँ, एक रूम और पानी की टंकी। रक्षक तो दो, केवल दो ही थे बीच में, बाकी तो मैं पानी देता हूँ रोजाना बगीचे में, और कई पौधे भी मैंने लगाए। पहले अग्निहोत्री साहब ने कहा था और यहाँ पर मैंने खुदाई भी की। अरे वो आपने मौखिक ही आदेश दिया था कि आप यहाँ से? किसने दिया था? अग्निहोत्री साहब थे। अच्छा, उसके बाद अग्निहोत्री निर्देश नहीं दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं कहा था, पर अभी बोल रहे थे कि किसके अनुमति से रह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, बोल रहे किनके पैसे से? मैं कि अपने पैसे से ही। एक हमारे स्टाफ के हैं मिस्टर बघेल, AG के शिक्षक हैं वो, मैं कल संज्ञान में आया कि उन्होंने कोई चबूतरे का निर्माण हमारे पीछे जहाँ हाई स्कूल लग रहा है उसके बैक साइड में किया है। कल हम गए वहाँ पर जाकर के देखा, तत्काल उन्हें बुला के रोकने के लिए काम कहा, ठेकेदार को रोकने का कहा है और उन्हें लेटर हमने दिया है निर्माण कार्य किस परमिशन पे किया है आपने, और उसको रुकवा दिया गया है काम। वहाँ पर वृक्षारोपण वगैरह हुआ था, वृक्ष भी काटे हैं उन्होंने? हाँ, प्लांटेशन वहाँ पे कराया था विगत वर्षों में, अब उन्होंने जो पौधे काटे हैं उसकी भरपाई करवाई जाएगी, उन्होंने गलत काम किया है।